नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एटेसिक्स में। और एजुकेशन के एटेसिक्स की तरफ से आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा पूरे विश्व की रक्षा करें और आप सभी की मनोकामना भी पूर्ण करें। चलिए दोस्तों, हम लेकर चलते हैं आज आपको एक ऐसी वैकेंसी की तरफ जो कि कैंडिडेट अगर बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर उनके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के लिए। यहाँ पे एपेक्स बैंक में कुछ वैकेंसी निकाली गई है, कुछ वैकेंसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए निकाली गई है, तो कुछ वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बैंक है इनके उनके लिए निकाली गई है। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, सारी जानकारी देंगे। कुल 715 पदों की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, और ये बैंक की नौकरी है। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आप इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं। अपने दोस्तों में बस शेयर कर दीजिएगा ताकि जो भी ग्रेजुएट कर चुके हैं या बीई बीटेक कर चुके हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर से अगर जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। तो कुछ ऐसे पोस्ट हैं, वेरियस पोस्ट हैं जिसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ। क्या होगा इसका लास्ट डेट, कब से आपका फॉर्म भरा जाएगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, और इन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक ये आपको बताऊंगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और जो भी मेरे भाई बंधु देखिए चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। और जो भी मेरे भाई बंधु बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बता दें कि YT एजुकेशन जो चैनल है उसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे बेल आइकन दबा लीजिएगा, रोज़ आपके लिए यहाँ पे MCQs कराए जा रहे हैं जो कि 100 क्वेश्चन का MCQ हो रहा है। दोस्तों कल शाम को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए कल का जो आपका सिनारियो था बिहार दरोगा का वो नहीं दे पाए थे हम लोग, इसलिए आज सुबह में ही ये जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 14 है वो आपको दिया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखिएगा जरूर से ध्यान से। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के उस ऑफिशियल नोटिस पे जहां पे इसकी वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई है। दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जिसके बारे में यहाँ पे सारी डिटेल आपको बताई गई है कि कब से कब तक फॉर्म को भरना है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें कौन से वेरियस पोस्ट हैं जिसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। पर इस नोटिफिकेशन को देखने से पहले एक शॉर्ट नोटिस देख लाना चाहूँगा जो कि आज ही अपडेट किया गया है। दोस्तों ये लास्ट डेट एक्सटेंडेड का एक आपको नोटिस दिया गया है आज के इस डेट में ही, और बताया गया है दोस्तों कि राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, राजस्थान स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स तथा जिला सहकारी एवं बैंकों के पदों के हेतु जो विज्ञापन यहां पे दी गई है उसका जो डेट था दोस्तों 11 सितंबर से लेकर आपके 6 अक्टूबर तक का था, यानी कि 12 सितंबर से लेकर आप 6 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते थे। लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लमों के चलते यहाँ पे कारणों के चलते ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप इसको 18 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर, जी हाँ 10 अक्टूबर लास्ट डेट है इसका, ध्यान से सुन लीजिएगा, 10 अक्टूबर के रात के 12 बजे तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिएगा कि पहले ही आप आवेदन कर लें, अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। चलिए ये तो एक ऑफिशियल अपडेट दे दिया मैंने आपको यहाँ से, जिसके लिए आप यहाँ पे आवेदन करेंगे अब कब से, तो 18 सितंबर से यानी कि कल से आप आवेदन कर सकेंगे। इसका लिंक जो होगा कल एक्टिवेट कर दिया जाएगा, तो जैसे एक्टिवेट करेगा मैं आपको इसका लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के साथ ही, जो कि आप कल से जाके वहाँ से आप आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों चलिए तो अब कुछ इसके नोटिफिकेशंस को देख लेते हैं और इनके क्राइटेरियाज को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो वैकेंसीज हैं जैसे कि देख सकते हैं, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स बैंक के लिए और एक वेरियस डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। इन दोनों ही में वैकेंसी करीब 715 वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। इसकी वैकेंसी घटाई या बढ़ाई जा सकती है इन अकॉर्डिंग टू द एपेक्स बैंक, ठीक है, जो आपके बैंक के द्वारा ये वैकेंसी सहकारी भर्ती बोर्ड राजस्थान के द्वारा निकाली गई है उनके द्वारा। कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी है, तो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, मैनेजर के पोस्ट है जो कि अगर आपने बैंकिंग में MBA या फिर फाइनेंस में MBA कर रखा है तो उनके लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए है और बैंकिंग असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए है, और कुछ पोस्ट स्टेनोग्राफर के लिए है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपके ये वैकेंसीज निकाली गई है, ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में भी, आप यहां से जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं ऑफिशियली।
अभी इसका 18 सितंबर से लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, तो कल से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी चीज़ें डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पोस्ट वाइज आपका सारा पे स्केल बताया गया है इन सभी लिंक्स पे, तो यहाँ पे आप जाके इसका पे स्केल देख सकेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, कितना कितना सैलरी होगा इसका, कितना आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी दी जाएगी उसके बारे में। चूंकि ये आप अब कहेंगे सहकारी बैंकों की भर्ती है दोस्तों, तो क्या आप यहाँ पर राजस्थान के अलावा अदर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं स्टेट के? तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट से हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कैटेगरी ऑफ पोस्ट आर, देखिए सीनियर मैनेजर एपेक्स बैंक मैनेजर पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें कि एपेक्स बैंक और मैनेजर के सीसीबी यानी कि कोऑपरेटिव बैंक जो है उनके लिए। उसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट निकाली गई है, बैंकिंग असिस्टेंट यानी कि आपके क्लर्क की पोस्ट निकाली गई है, इसमें एपेक्स बैंक वालों के लिए भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल वालों के लिए है। स्टेनोग्राफर की भी जॉब निकाली गई है, इसके बारे में देख लीजिएगा। इन सभी नोटिफिकेशंस पे जाके मैं आपको कल दिखला दूंगा। वैसे भी इसका अपडेट ये भी आपको देना चाह रहा था कि ये अपडेट आया हुआ है, आप कल से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर हम पहले पोस्ट की बात करें सीनियर मैनेजर के लिए, तो यहाँ पे MBA डिग्री मांग रहा है दोस्तों आपसे। अगर आप 2 साल का MBA डिग्री कर रखे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है बिजनेस मैनेजमेंट में, तो अप्लाई कर सकते हैं विथ ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर का नॉलेज कंपलसरी है यहाँ पे, इसलिए सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए जो भी अप्लाई करेंगे उनको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मैनेजर लेवल की, विच इंक्लूडेड द मैनेजर एपेक्स बैंक एंड द मैनेजर CCB यानी कि कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अ ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट इन द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया, जो भी भारत सरकार की लॉ के अनुसार ये बनाए गए हैं संस्थान, जैसे कि AICTE अप्रूवल होना चाहिए या फिर UGC होना चाहिए, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त जगहों से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से किया हो आपने ग्रेजुएशन, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज कंपलसरी मांगा जा रहा है आपसे। तो मैनेजर पोस्ट के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन है तो, और पर आपको यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज मस्ट है। अगला देखते हैं दोस्तों, सी है पोस्ट यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर की, तो इसमें BE/BTECH जिन्होंने किया है कंप्यूटर साइंस से या IT से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, या फिर उन्होंने किया है MCA या किया है MSc इन कंप्यूटर साइंस या MSc इन IT, तो आवेदन कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामर का पोस्ट निकाला गया है दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी हो सकती है आपके लिए, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स फॉर द कंप्यूटर एप्लीकेंट PGDCA विद द MSc। यहाँ पे कुछ और अदर इनके अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो इस क्वालिफिकेशन के जरिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। क्या, तो 1 साल का कम से कम आपका कंप्यूटर में कहीं डिप्लोमा कोर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, याद रखिएगा PGDCA, तो अप्लाई कर सकते हैं आप, या फिर इसके साथ साथ आपका MSc यानी कि मास्टर इन साइंस होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपका कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, साइंस में, मैथ्स में, स्टैटिक्स में, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, यानी कि आपको डिप्लोमा करना होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर प्रोग्रामर का दोस्तों। एक और है, अगर आपके पास एक नहीं है तो एक ग्रेजुएट डिग्री कॉमर्स इन इकोनॉमिक्स साइंस मैथ स्टैटिक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड द पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री MCA MSc कंप्यूटर साइंस या MSc IT, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे तो ये आपको और करके बता दिया गया, साथ में लिख दिया गया एंड, यानी कि इसके साथ आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है दोस्तों, एटलीस्ट 1 ईयर का, 1 साल का 1 ईयर का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि 31 जुलाई से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर इम्प्लीमेंटेशन या फिर ऑपरेशनल, या फिर आप अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी कहीं पे एक्सपीरियंस है कंप्यूटर के लिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डीप नॉलेज है नेटवर्किंग का या फिर RDBMS का यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, अब देखिए अगला पोस्ट है हमारा यहाँ पे दोस्तों बैंकिंग असिस्टेंट का, जो कि आपके क्लर्क का जॉब है, ये भी एपेक्स और CCB यानी कि कोऑपरेटिव बैंक के लिए निकाला गया दोस्तों। ग्रेजुएट मांगा जा रहा है, इसमें आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे किसी भी आप कॉलेज से हैं तो भी, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। स्टेनो का भी यहाँ पे बात करें दोस्तों,
तो ग्रेजुएशन डिग्री मांगी जा रही है आपको यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर नॉलेज जो है वो कंपलसरी है बोला गया है। और आपका साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया यहाँ पे 100 वर्ड्स का टाइपिंग इंग्लिश में शॉर्ट हैंड होना चाहिए और 80 वर्ड्स मिनट जो हिंदी में आपका शॉर्ट हैंड होना चाहिए, जो कि 35 वर्ड टाइपिंग कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है कि यहाँ पे पर मिनट इन हिंदी 40 वर्ड्स टाइपिंग स्पीड द मिनट इन इंग्लिश, ये भी आपका होना चाहिए दोस्तों। ये टाइपिंग टेस्ट आपका लेगा स्टेनो के लिए अगर वैकेंसी देते हैं तो आप, ठीक है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 18 से लेकर 40 साल तक के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 31 जुलाई जो है आपका यहाँ पे बेस ईयर माना जाएगा आपको आवेदन करने के लिए। तो एज भी बता दिया मैंने। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको क्या होगा, तो एक एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसके एग्ज़ाम पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके अनुसार आपका कट ऑफ क्लियर किया जाएगा। आपने अगर कट ऑफ क्लियर किया है तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन दिया जाएगा दोस्तों। वैसे असिस्टेंट के जॉब के लिए कोई यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, अगर आपने एग्ज़ाम निकाल लिया तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं सारी चीज़ें, है ना, जब भी आपका इसका रिजल्ट दिया जाएगा दोस्तों। मंथ एंड प्लेस एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द टेंटिवली डेट मंथ ऑफ द नवंबर। देखिए एक डेट दिया गया है, एग्जाम डेट कब है आपका, तो नवंबर में हो सकता है इसका एग्जाम डेट, ठीक है। 12 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर जो कि डेट था इसको बढ़ा दिया गया है, अब कर दिया गया 18 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं कल से आप। और नवंबर में इसका टेंटेटिव डेट एग्जामिनेशन का है। कैसे आवेदन करना है, इस प्रक्रिया को सातवें खाने में दिया गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपको अपना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल डालना है यहाँ पे, देन आप इसका एक प्रिंटआउट निकाल के फॉर्म के लिए सबमिट कर सकते हैं इसको फीस सबमिट करके। अब देखिए फीस जो चार्जेज है वो आपसे कितने लिए जाएंगे, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको कल आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिए जाएंगे कि आपसे फीस कितना लिया जा रहा है। देखिए कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम में तो ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलेगा 700 800 या फिर 1000 तक आपके इस फॉर्म का चार्ज लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पे नहीं बताया गया है। वैसे मैं आपको कल इसके जो लिंक एक्टिवेट होगा, है ना, अप्लाई करने का, उसके जरिए मैं फीस का चार्ज ही बता दूंगा कि कितना फीस लग रहा है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे आशा लग यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप सभी को सारी जानकारी मिल चुकी होगी। कोई भी डाउट होगा, कोई भी अगर सवाल होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के सिनारियों में इतना ही था, हमारे साथ बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय विश्वकर्मा बाबा।